नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। बता दें कि कटिहार में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर अब समय आ गया है जब अल्पसंख्यक शब्द पर भी विचार होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे पर कहा कि न्यायालय के माध्यम से इस पर फैसला होना है, लेकिन देश के लोगों के मन में जो है वो सबको पता है। पता है कि मोदी ने देश को कहां से कहां ले जाने का काम किया। आज मोदी भारत को दुनिया में एक ताकत दी है और वो ताकत कभी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया था, आज नरेंद्र मोदी झंडा बुलंद कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर लोगों ने देश में गाली दिया, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी को चावसी देता है कि आपने कैसे मैनेजमेंट किया। पूरी दुनिया आज अगर मैं कहूँ 60 और 70 के दशक में पीएल 40 के तहत अन्न लेते थे अमेरिका से, आज हम 80 करोड़ ऊपर लोगों को 2 साल से मुफ्त राशन, वहीं लंका को भोजन और कई जगह देने का काम कर रहे हैं। मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने का काम किया, जिसका सीधा प्रमाण है कि रक्षा के सौदे में आज जो आया 100 से ऊपर जिन्स आ गया है, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट नहीं करेंगे, आज हम बर्मोस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत की ताकत है, जिनको नहीं दिखता है उनको चश्मा, भारत के विकास की चश्मा पहननी चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग को तब उनको दिखाई। उधर बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के देदौर गांव के समीप पूजा होटल के निकट SH-106 पर बख्तियारपुर की ओर से जा रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बख्तियारपुर की तरफ आ रही मोटरसाइकिल और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की इस टक्कर से टेम्पो और मोटरसाइकिल सवार आधे दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी सभी लोगों को इलाज के लिए बख्तियारपुर CSC पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर रूप से जख्मी अमरजीत, अभिषेक और बिट्टू को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। वहीं कुछ लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए, जो इलाज कराने के बाद अपने घर लौट गए। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 से 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 17,70,500 रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गया जंक्शन पर ये दोनों घूम रहे थे, जिनसे शक के आधार पर पूछताछ की गई और उनके बैग को खंगाला गया। वहीं बरामद किए गए रुपए के बारे में दोनों ने कोई विश्वसनीय जवाब नहीं दिया। मामले को लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आयकर विभाग गया को सूचित किया गया है। खबर धनरुआ थाना क्षेत्र के बिरंची शेखर धर्मकांटा की है, जहां अज्ञात चोरों ने बोलेरो की चोरी कर ली। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने धनरुआ थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शाम के भाई गाड़ी लगा दिया बड़े शेखर के धर्मकांटा पर, सुबह देखते हैं गाड़ी सुबह ये नहीं है। रोज की तरह गाड़ी यही लगता था। जी जी। शिवहर के पुंडहिया प्रखंड के बखार चंडीहा गांव के रहने वाले प्रिंस कुमार ने UPSC में 426वां रैंक लाया है। बता दें कि प्रिंस कुमार एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। प्रिंस के पिता एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है और गांव के ही चौराहे पर झोपड़ी नुमा कमरे में अपना वर्कशॉप चलाते हैं। वहीं प्रिंस ने UPSC क्लियर कर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी अभाव की मोहताज नहीं होती। हम तो खुश है, समाज बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे प्रखंड में पहला IPS निकलने वाला लड़का है। कितना संघर्ष किया है उसका, तो बच्चा पे ही बीत रहा होगा जो कितना मेहनत किया है। वह तो कहता था हम 18 घंटे 20 घंटे प्रतिदिन संघर्ष कर रहे थे पढ़ाई के। कब से तैयारी कर रहा है? 4 साल पहले से चल रहा है उसका।
उधर मोतिहारी के शिकारगंज थाना क्षेत्र स्थित रूपहारा गांव बुधवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। करीब 8 से 10 की संख्या में आए अपराधियों ने रूपहारा गांव निवासी शातिर अपराधी सोनू सिंह को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कई कांडों में संलिप्त 3 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी अभिषेक आनंद को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। अपराधी पकड़ने में एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में मोतीपुर पुलिस DSP वेस्ट अभिषेक कुमार को ये सूचना मिली कि कुछ अपराधी मोतीपुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर वहां पर एक बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान में लूट करने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई SHO मोतीपुर के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 पिस्टल और 2 कंट्री मेड वेपन बरामद हुए। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने मोतीपुर में एक बड़ी लूट। लगातार देश भर में चुनावी मैदान में हार का चेहरा देखने के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर चिंतन कर रही है। इसी कड़ी में राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कांग्रेस के 2 दिवसीय नौ संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि 2 दिवसीय नौ संकल्प शिविर में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समेत अन्य मुद्दों पर चिंतन किया जा रहा है। हमारे बिहार के जितने गणमान्य नेतागण सब इसमें आमंत्रित किए गए हैं और यहाँ पर 6 ग्रुप में बांट करके एक चिंतन किया जाएगा, आपस में विचार विमर्श किया जाएगा और उससे ढंग के जो बात आएगी पार्टी के मजबूती के लिए जो सुझाव आएगा आम लोगों का, उस पर मंथन होगा। हमारे जो नेता हैं, ग्रुप के लीडर हैं, वो उसको तैयार करेंगे और उससे जो निर्णय आपस में होगा उससे हम लोग आला कमान को अवगत कराएंगे कि मेरे पार्टी की मजबूती के लिए ये काम आवश्यक है। जो भी राजनीति शुरू होता है, राजग्रेस होता है, क्या 2024 के लिए तैयारी यही किया जाएगा? ये तो ऐतिहासिक जगह है ही और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से अपना जो यात्रा शुरू करेगी उससे कांग्रेस का बहुत भला होगा। सवर्ण एकता मंच के तत्वाधान में स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ मुखिया जी की 10वीं शहादत दिवस बैकटपुर में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक कुमार के द्वारा स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। वहीं इस मौके पर ब्रह्मेश्वर नाथ अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।